कोरोना की मुश्किल परिस्थिति में गुजरात के राजकोट शहर के युवाओं द्वारा एक अनोखा सेवा यज्ञ चल रहा है। शहर के 50 युवा रोजाना अपनी पॉकेट मनी से 450 से ज्यादा मरीजों को खाना खिला रहे हैं। कोरोना के इस दौर में मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था करना सबसे मुश्किल काम है। कहीं परिवार ऐसे हैं जिनके सभी मेंबर्स पॉजिटिव हो गए हैं, तो कहीं लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रह रहे हैं। उनके घर कोई खाना बनाने वाला नहीं है, ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट भी बंद है। ऐसे में मरीजों को अपनी भूख मिटाने के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बीच गुजरात राजकोट जिले के गोंडल गांव में रहने वाले 50 युवाओं ने ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने की पहल की है। आरएसएस प्रेरित अक्षय भारती मित्र मंडल संस्था के लोग अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर सुबह शाम 450 से ज्यादा मरीजों के घर खाना पहुंचा रहे हैं। गोंडल गांव के रहने वाले रोहित चुड़ासमा भी इस टीम से जुड़े हैं। वे बताते हैं कि इस साल कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो अचानक केस बढ़ने लगे। कई जगहों से हमें इस तरह की खबरें मिली कि मरीजों को वक्त पर खाना नहीं मिल रहा है। अस्पतालों के साथ साथ जो लोग होम आइसोलेट में हैं, उन्हें भी खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे एक वक्त के लिए भी अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद मैंने अपने दो दोस्तों से बात की और तय किया कि हम ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाएंगे। शुरुआत में 4 लोग थे, सभी नौकरी करते थे। हम लोग अपनी पॉकेट मनी से इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। तब हम हर दिन 200 टिफिन तैयार करते थे और मरीजों के घर पहुंचाते थे। बाद में हमारे काम के बारे में लोगों को पता चला तो वो मदद करने के लिए आने लगे। हमने अपने ग्रुप का नाम अक्षय भारतीय मित्र मंडल रखा है। अभी 50 युवा इस टीम से जुड़े हैं और रोजाना हम 50,000 रुपये खर्च करके 450 से ज्यादा मरीजों को दोनों टाइम का खाना खिला रहे हैं। मंडल आरएसएस प्रेरित श्री अक्षय भारतीय मित्र मंडल द्वारा देश में चल रही महामारी, कोरोना की महामारी के चलते समय पे मंडल अक्षय भारतीय मित्र मंडल ने भोजन फ्री व्यवस्था की गई थी। हॉस्पिटल होम क्वारंटाइन हॉस्पिटल में एडमिट हुए दर्दी, उसके साथ आने वाले उसके रिलेटिव, उसको भी हमने भोजन पहुंचवाया। पिछले 1.5 महीने में जो भी दर्दी को तकलीफ हुई उसके भाग रूप में हमने ऐसा सोचा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारे ओर से भोजन व्यवस्था हो सकती थी, इसलिए हमने भोजन व्यवस्था की। और पिछले 1.5 महीने में लगभग एक पर दिन 450 टिफिन भिजवाए। पहले हमने 3 लोगों से स्टार्ट किया था, अभी हमारे 50 लोग इसमें कार्यरत है और जब तक ये कोरोना की महामारी चलती रहेगी तब तक हम ये व्यवस्था, भोजन व्यवस्था गोंडल और गोंडल के आसपास के विस्तार में पहुँचवाएंगे, हॉस्पिटल और उसके घर पे। कोरोना संक्रमित लोगों को किस तरह खाने का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें क्या खाना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए डॉक्टर से बात करके सभी युवाओं ने मेन्यू तैयार किया। सभी साथी खाना तैयार करके समय उसका ध्यान रखते थे। दिन के वक्त जो खाना पहुंचाते हैं उसमें 2 तरह की सब्जी, दाल चावल, सलाद, छाछ और रोटी होती है। वहीं रात के खाने में कड़ी, खिचड़ी, सब्जी रोटी के साथ साथ सलाद भी देते हैं। सभी युवाओं ने हर जगह अपना मोबाइल नंबर सर्कुलेट कर रखा है, जिसे जरूरत होती है वो टिफिन के लिए कॉल कर सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना के इस काल में गोंडल के युवाओं ने जो ये बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है, अक्षय भारती मित्र मंडल। वैसे तो गोंडल की भूमि ये दान की भूमि है, शौर्य की भूमि है, स्वाभिमान की भूमि है, शिक्षा की भूमि है और संस्कार की भूमि है। तो इसमें ये अक्षय भारती मित्र मंडल ये 1.5 महीने पहले 3 लोगों के मन में ये विचार आया कि हम ये वैश्विक महामारी में, कोरोना की वैश्विक महामारी में जिन लोगों के घर अगर सभी लोग कोरोना से त्रस्त हैं तो कौन भोजन बनाएगा, उनकी चिंता के लिए ये पूरा अन्न क्षेत्र, अन्नदान का ये इनके मन में विचार आया।
तीन लोगों का ये अन्न सेवा महायज्ञ शुरू हुआ। आज इसके इस महायज्ञ में 55 से भी ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े हैं, तो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसलिए मैं ये अक्षय भारती मित्र मंडल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रेरित जो संघ के स्वयंसेवक और अन्य जो यहाँ के युवा वर्ग है वो जो जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे जानकारी मिली है कि ये कोई छोटा काम नहीं है, एक दो दिन करके छूट जाता है लेकिन डेढ़ महीना लगातार। और यहाँ मैंने जानकारी दी ली अनिल भाई से, रोहित भाई से, कि जब तक ये महामारी रहे, मैं तो माँ जगजननी जगदम्बा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये महामारी कल ही समाप्त हो जाए। लेकिन जब तक ये महामारी है तो जब तक जिन पीड़ितों परिवारों में जब तक इसकी जरूरत रहेगी तब तक ये सेवा यज्ञ शुरू रखने का इनका दृढ़ संकल्प है। ये भी बहुत अच्छा प्रशंसनीय कार्य है। इसलिए मैं अक्षय भारती के सभी कार्यकर्ता जो परोक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़े हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, जिस भी प्रकार का सहयोग किया है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना महामारी में अपने परिवार का और खुद का और सबका ध्यान रखें। यही बात करके मैं बात करूँगा। भारतीय मित्र मंडल के युवाओं संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। हॉस्पिटल वाइज अलग अलग टीमें बना रखी हैं। उसके हिसाब से अस्पताल के मरीजों को टिफिन पहुंचा रहे हैं। जब उनकी टीम मरीजों के घर पहुंचती है तो परिवार के सदस्य को बाहर बुलाकर टिफिन दे देते हैं ताकि कोई किसी तरह से कॉन्टेक्ट में नहीं आए। उनका दावा है कि गाइडलाइन का पालन करने के चलते ही टीम का कोई साथी संक्रमण नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम मेडिकल स्टाफ के लिए टिफिन सेवा शुरू करने का प्लान बना रहे हैं।